लगभग दो दशक से यहाँ पर उबरगामी सेतु का मांग कर रही है और एक गोरखपुर स्टेशन और कैंट स्टेशन से एक लिंक रोड की मांग कर रही है कई दशकों से, लेकिन यह रेल प्रशासन की उदासीनता है और हम लोगों को अनदेखा कर रही है। सेतु के लिए मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग एक बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आखिर नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या यहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, ये रेल प्रशासन की उदासीनता है। हमारे लोग कई प्रतिनिधियों ने लगभग दो दशक से यहाँ पर उबरगामी सेतु का मांग कर रही है और एक गोरखपुर स्टेशन और कैंट स्टेशन से एक लिंक रोड की मांग कर रही है कई दशकों से, लेकिन यह रेल प्रशासन की उदासीनता है और हम लोगों को अनदेखा कर रही है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसके उत्तर तरफ लाखों की आबादी के लोग रहते हैं और कई दशकों से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातें सुनी नहीं जा रही। हमारी ये मांग है कि हमारे यहाँ फ्लाई ओवर या अंडर पास बना दिया जाए ताकि हमारे पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें और आ सकें। अभी अगर आपको आज स्कूल बंद है, अगर स्कूल खुला होता तो मैं अभी आपको दिखाता कि आज ये प्रशासन कह रही है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब क्रॉसिंग को पार करके ट्रैक पे खड़े हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं और आते हैं, यदि उनके साथ कोई अनहोनी हुआ तो क्या ये जवाब देंगे? आज हम उसी मांग के लिए यहाँ वो ब्रिज के मांग के ऊपर फ्लाई ओवर बने या अंडर पास बने और गोरखपुर से गोरखपुर छावनी तक एक लिंक रोड का मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आज तो शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले दिन में यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष होगा। हम अमरनाथन पे बैठने वाले हैं, हम अपनी मांगे को मंगा कर रहेंगे। हम देखते हैं कि ये रेल प्रशासन हमारे जनता का, हमारे लोगों का बात कब तक अनदेखा कर रहा है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज मैं रेल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ कि यदि आज हमारी बातें नहीं मानी गई तो आने वाली एक हफ्ता चाहे 10 दिन के बाद यहाँ पर अमरनाथन बैठेंगे, चाहे वो हमारा जान मार देंगे, चाहे हमको जेल बंद कर देंगे, हम कहीं तक कोई चिंता नहीं है। मैं वो चीज बताऊंगा। ये नई समस्या है, जैसा कि हमारे पार्षद महोदय ने बताया कि 24 घंटे में 20 घंटे लगभग यह पुल को बंद रहता है फाटक, और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। बच्चे हैं, मरीज हैं, उधर एम्स है और यहीं पे आके एम्बुलेंस रुक जाती है, मरीज तड़फड़ाते हैं। तो बहुत ही जेन्युइन मांग है और बार बार पेपर में निकलता भी है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि समाचार पत्रों में आता है कि यहाँ के लिए पैसा रिलीज हो गया है, लेकिन काम यहाँ पे हो नहीं रहा। हम लोग यही आश्वासन चाह रहे हैं कि हमारे अधिकारी ये आश्वासन दें कि यहाँ पे अंडर पास या ओवर ब्रिज कब बनेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना पे आए। समस्या तो बहुत विकट है और वो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ क्रॉसिंग 20 घंटे 22 घंटे बंद रहता है
और ट्रेन जाने के बाद भी नहीं खुलते हैं, 25 मिनट बाद फिर ट्रेन आएगी, लेकिन 25 मिनट तक बीच में खोलते नहीं है। अगर बीच में खोल दे तो कम से कम कुछ सुविधाएं दूर दूर जाएंगे। और हर बार सरकार आगे करती है कि पुल बन रहा है, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आने नहीं में प्रोग्राम आए थे, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, समस्या को रख सकते।